झारखंड की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी रांची स्थित आवास में पूछताछ कर रही है। इधर झामुमो के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद होकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रशासन मुस्तैद है। कुछ अप्रिय घटना न घटे इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ रॉय ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राजद के सरकार और ईडी के बीच लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है। आज का दिन बेहद ही खास है झारखंड की राजनीति के लिए क्योंकि आज ईडी के अफसर अभी मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है सूत्रों के अनुसार। लेकिन अगर हम आपको नजारा दिखाएं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गोलबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झंडा लिए हुए लोग खड़े हैं एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारा लगाए जा रहे हैं। पारंपरिक हथियार जो कि तीर धनुष है ये भी लाया गया है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर ईडी छुएगी तो पूरा झारखंड जलने के लिए भी तैयार हो जाए। आप सब सहमत है कि कल भी इसी तरह से मौजूद थे राजभवन के बाहर, आज भी हम आवास के बाहर, क्या संदेश देने की कोशिश कर कि हम लोग आदिवासी हैं, झारखंड को बचाने के लिए आए हैं, झारखंड रहेगा और झारखंड को बचाने आया है। झारखंड का हम लोग पैदाश है, धूल माटी खा के हम लोग झारखंड में रह रहे हैं। आज हम लोग पेड़ पौधा पूजा पाठ करते हैं तो पानी पड़ुआ पड़ता है, इसलिए हम लोग झारखंड आदिवासी है। जो केंद्र सरकार जो बदलाव कर रहा है उसका हम लोग विरोधी बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार परेशान करने के लिए और कार्यकर्ता नेता जन आप मांदर ढोल लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्लियर इन द विजुअल्स दैट टीम ऑफ द ईडी हैज अराइव्ड हेमंत सोरेन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ रॉय हमसे जुड़ चुके हैं। सौरभ, आखिरकार आज ईडी और सीएम हेमंत आमने सामने हैं, अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, तो वही आदिवासी संगठन और जेएमएम कार्यकर्ता में आक्रोश है, क्या है पूरी जानकारी? आज लगभग 11 बजे का वक्त था जब ईडी की 8 गाड़ियां पहुंची मुख्यमंत्री आवास में और जहां उसके बाद आने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुजूम बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास के बाहर और उनका यह कहना है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर केंद्रीय एजेंसी ईडी कार्य कर रही है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी सरकार को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जी, जैसा कि आक्रोश दिख रहा है जेएमएम कार्यकर्ताओं में, किस तरह का आक्रोश दिख रहा है, ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं सौरभ? जी, पारंपरिक हथियार के साथ कार्यकर्ता पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कुछ भी कार्रवाई ईडी करेगी तो झारखंड को जलाने की भी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को अरेस्ट दूर छूने की भी हिम्मत ईडी के पास नहीं है। जी, जैसा कि पारंपरिक हथियारों के साथ कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, किस बात से उन्हें आक्रोश है? उन्हें बस एक ही बात से आक्रोश है कि बार बार ईडी क्यों परेशान कर रही है समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्दोष है, वो आदिवासियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, बस यही बात बीजेपी और मोदी सरकार को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से झारखंड के सरकार को परेशान करने का काम कर रही है। जी, जैसा कि आज झारखंड की राजनीति का आज अहम दिन है, कम से कम 7 से 8 समन के बाद आज ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आमने सामने हैं, पूछताछ का क्रम जारी है, तो ये पूछताछ के क्रम में अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है सौरभ, और ये पूछताछ का क्रम जो है कितने देर तक चलेगा?
जितने हैं अभी तक तो अंदर से कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन बस यही सिलसिला जारी है पूछताछ का। और ये कितना वक्त लेगा वो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जब ईडी मुख्यालय हेमंत सोरेन पहुंचे थे तो लगभग 8 घंटों तक पूछताछ की गई थी। तो इस बार भी अनुमान जताया जा रहा है कि देर शाम तक ईडी की पूछताछ हेमंत सोरेन से जारी रहेगी। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ कि जो एलपीएम सादर चौक है जहाँ से मुख्यमंत्री आवास जाया जाता है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, और वहाँ पे बिरसा ये जो आर्मी है भीम आर्मी उसके कार्यकर्ता शामिल हो गए हैं, और उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जामुमो के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ईडी की कार्रवाई से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सौरभ धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दे आज ईडी के अधिकारी और सीएम हेमंत सोरेन आमने सामने हैं। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। वही आपको बता दें कि जेएमएम के कार्यकर्ता और आदिवासी संगठन ईडी की इस कार्रवाई से काफी नाराज दिख रहे हैं, और ये देखने वाली आगे बात होगी कि आखिरकार इस कार्रवाई से क्या कुछ निकल कर आता है।